हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का इस चैनल पे सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर। और वापस से आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि सिंस, देयरफॉर और या, जिसको हिंदी में या और अंग्रेजी में और कहते हैं, इसको कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी वजह से बच्चों का मार्क्स कट जाया करता है और ये छोटे मोटे बात पर ही ध्यान दे करके आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा बात भी आपके बहुत सारे मार्क्स को माइनस कर देता है। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। तो देखिए, जैसा कि एक हम क्वेश्चन लिए हैं, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब ऊपर में दो डॉट और नीचे एक डॉट हो तो उसको हिंदी में चूंकि और इंग्लिश में सिंस कहते हैं, और ऊपर एक डॉट नीचे दो डॉट हो तो उसको इसलिए या फिर देयरफॉर कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि या को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और लिख करके यूज़ करते हैं और हिंदी मीडियम वाले या। तो इसको कैसे यूज़ करना है, इस सम्स को सॉल्व करने के दरमियान हम लोग समझेंगे। दिया गया है कि सॉल्यूशन सम्स में जो भी है उसको पहले लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार जब भी हम लोग प्रश्न के अनुसार कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे सिंस यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट लाइन में सिंस, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल मुझे दिया हुआ था और उसको हम सॉल्व करते गए। अब आप इसको सॉल्व करने आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो बराबर के लेफ्ट और राइट में हमेशा कुछ रहेगा, तो इधर या चलेगा या फिर इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चे जो हैं इसको और लिख करके बनाएंगे। लास्ट लाइन में जब आप आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ पे देयरफॉर यूज करेंगे। तो ये बहुत बच्चे सम्स तो सही बना लेते हैं बट ये वाले चीज़ों को मिस करते हैं, जिसके वजह से मार्क्स काट लिया जाता है। ओरिजिनल वे में अगर आपका कॉपी चेक किया जाएगा तो इस मार्क्स को जरूर काट लिया जाएगा, क्योंकि ये मैथ के कॉपी को चेक करने का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।